गोरखपुर के कैंट पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के मद्देनजर एक अभियान के तहत मोटरसाइकिल चोरों को धर दबोचा। इन चोरों के पास से 5 मोटरसाइकिलें, 600 ग्राम चरस और 2000 नगद रुपए भी बरामद हुए हैं। आपको बताते चलें कि ये शातिर मोटरसाइकिल चोर अलग अलग थानों के अंतर्गत मोटरसाइकिलें आए दिन चुराया करते थे। ये अपराधी महानगर के विभिन्न थानों से संबंधित हैं, जिसमें ओम प्रकाश, मोहम्मद आरिफ, सफरुद्दीन, सुमित कुमार पासवान और विशाल कुमार सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। जिनके कब्जे से कुछ चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई और इन गाड़ियों के संदर्भ में पहले से और साथ ही साथ इनसे लूट की घटना का खुलासा हुआ है। ये वाहन चोरी की घटना करने के साथ साथ धोखेबाजी घटना भी करते हैं और मौका पाते हैं लूटपाट भी करते हैं। इनसे लूट की घटना का भी अनावरण हुआ है। थाना कैंट में ये ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले स्थानों से मोटरसाइकिल चुरा लेते हैं और ज़्यादा कदा जो पूछताछ में प्रकाश में आया है ये टेम्पो में सवारी बैठाने के बाद उसे भी छोटी मोटी लूटपाट कर लेते हैं। वाहन चोरी कर किन किन जगहों से वाहन अभी तक चोरी किए हैं कुछ पता चला? ये 3 गाड़ियाँ कैंट थाना क्षेत्र की चोरी की बरामद हुई है, एक राजगढ़ थाना क्षेत्र से बरामद हुई है जो मामला दर्ज किया गया और एक गाड़ी गोराबार थाने से संबंधित है जो पूर्व में ही वाहन दर्ज किया गया। मादक द्रव्य मिला है उस समय? हाँ, इनके पास 600 ग्राम चरस भी बरामद हुई है। क्या भी नशा लेते थे, नशा करते थे? हाँ, ये ड्रग के एडिक्ट हैं, व्यापार भी करते हैं, इसमें कुछ ऐसे इसमें किए भी हैं और इसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। तो कहाँ से मिला है और कहाँ से लाया गया।